शिरोमणि रविदास के मंदिर और आश्रम को सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद गिराए जाने पर सभी बहुजन संगठनों में रोष व्याप्त है। मंदसौर क्षेत्र के बहुजनों का विरोध जताने के लिए संगठन आ गया है। सामाजिक न्याय मंच, मेघवाल समाज विकास परिषद और भीम आर्मी आदि बहुजन संगठनों ने विरोध स्वरूप रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम मंदसौर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। नई दिल्ली की घटना का विरोध करते हुए बहुजन संगठनों ने कहा कि द्वेषता पूर्वक यह कार्यवाही की गई है। मांग की गई कि पुनः संत रविदास मंदिर और आश्रम स्थापित करवाया जाए। ये देखिए, दिल्ली में जो मोदी सरकार की तानाशाही रवैया के चलते हुए हमारे जो SC ST समुदाय, जितनी भी आराध्य देव श्री संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का मंदिर जो 600 वर्ष पूर्व बनाया गया था, वो तानाशाही रवैये के द्वारा तोड़ा गया है। इसी के विरोध स्वरूप हमने जो है मंदसौर में आज मेघवाल समाज विकास परिषद और सामाजिक न्याय मंच के बैनर तले जो आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, उस आयोजन के माध्यम से हमने विरोध जताया और हमारी मांग ये है कि जो मंदिर पहले पर बना था वहीं बनाया जाए। हमने जो संजय गांधी उद्यान से जो रैली शुरू हुई है, जो BPL चौराहा, उधम सिंह चौराहा होते हुए गांधी चौराहा पहुंची है और यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा कलेक्टर को। आज यहाँ गांधी चौराहे पर सामाजिक न्याय मंच द्वारा संत रविदास जी की जो आश्रम और मंदिर हैं उसके तोड़ने के विरोध में सामाजिक न्याय मंच द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसकी मांग है कि पुनः पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए और पुनः इनका मंदिर और केंद्र सरकार राष्ट्रपति महोदय इस पर संज्ञान लें। ज्ञापन में कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजूंगा।